up people, this is your friend Tanmay and welcome back to my channel guys. So I made a video on how I came to US, and so most of my friends and like some people commented like make a video on MEM in season. So my major is MEM actually, engineering management. So in this video I'm gonna explain like that in six different parts और लास्ट पार्ट में मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो यू गाइस शुड डिसाइड लाइक मतलब वो आप डिसाइड कर लेना आपको क्या लगता है उस चीज़ के बारे में. सो या फर्स्टली आई एम गोना एक्सप्लेन समथिंग अबाउट माई सेल्फ. सो मेरा नाम तो पता ही होगा, माई नेम इज़ तन्मय एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. एक्चुअली मेरा बैचलर्स में आई डिड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मेरे को लाइक आई डिडंट वांटेड टू डू कोर इंजीनियरिंग, सो आई वांटेड टू डू MBA एक्चुअली. सो बट MBA में क्या लाइक वीज़ा खाली 3 साल का मिलता है, सो दैट्स वाई आई चोज़ MEM. तो 5 साल का वीज़ा भी मिल जाएगा एंड ऑल, और स्टेम डिग्री भी मिल जाएगी. सो एक्चुअली माई CGPA वॉज लाइक 6.3 व्हेन आई अप्लाइड हियर एंड आई फील लकी बिकॉज उस टाइम पे कोविड था और लाइक कंपटीशन भी बहुत कम था, और 6.3 मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है. बट मेरे को एडमिशन मुझे लगता है इसलिए मिली क्योंकि मैंने जब इंटरनेशनल एडमिशन एडवाइज़र को आई आस्क्ड, सो दे टोल्ड मी लाइक दे चेक अराउंड 24 to 26 यूनिट, जो भी लास्ट के 26 है. लाइक इफ़ योर गाइज आर कंप्लीटिंग 120 यूनिट्स 4 साल में, सो लास्ट ईयर से 26 यूनिट्स लाइक लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर लाइक दैट. सो इस मेरे स्कोर बहुत अच्छे थे 3rd ईयर और 4th ईयर में, सो आई थिंक उसके वजह से मेरे को एडमिशन ज़्यादा आसानी से मिली एंड ऑल्सो माई स्कोर्स वर ऑल्सो गुड लाइक Duolingo एंड GRE1. सो या मतलब कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स मेरे को एडमिशन थोड़ा ईजीली, आई गॉट एडमिशन ईजीली, नहीं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इफ़ माई CGPA वॉज लेस. तो वाई सीजन लाइक यू नो आई अप्लाइड टू 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ एंड इतने सारी यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया बिकॉज एप्लीकेशन फ़ी वॉज वेव्ड ऑफ, इट वॉज फ्री फॉर मी, और आई जस्ट पेड फीस फॉर कैल स्टेट सिस्टम्स लाइक ईस्ट वे और नॉर्थरिज में मैंने भरा. एंड आई चूज दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज यू नो व्हेन यू टाइप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑन गूगल यू जस्ट सी सीसन एंड Northeastern, और मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सीसन इज़ बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड ऑल्सो दी प्रोफेसर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. लाइक प्रोफेसर के बारे में आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो. एंड ऑल्सो आई चोज इट, माई सेकेंड रीज़न वॉज लोकेशन बिकॉज यू नो लॉस एंजलिस में, एंड लॉस एंजलिस इज अ बिग सिटी. इफ़ यू आर इन बिग सिटी तो इट्स ऑब्वियस दैट यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन जॉब्स एंड ऑल, इंटर्नशिप्स एंड ऑल. सो दैट्स द रीज़न. एंड माई थर्ड रीज़न ये था लाइक मेरा बजट बहुत कम था लाइक इफ आई कंपेयर विद Northeastern. सीसन का जो फीस एंड ऑल स्ट्रक्चर एक्सपेंस वगैरह बहुत कम है इफ़ यू स्टडी इन सीसन बिकॉज इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी. सो या कंसिडरिंग दीज 3 factors आई चूज दिस. So living expense, so what about living expense? So you can save living expense में बहुत सारा पैसा, you know like on campus job करके 1200-1300 bucks आराम से आ जाते हैं महीने के, उस हिसाब से you can save lot of money. आप फीस भी भर सकते हो. एंड एक पॉइंट है if you are coming for bachelors में until 18 you need to stay on campus, like डॉम्स के अंदर रहना पड़ता है, डॉम्स के बाहर नहीं रह सकते. बट आफ्टर 18 मैन बाहर निकल जाओ, स्टे पैसा बचाओ और लाइक स्टे विद पीपल, और जॉब भी करोगे तो बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे, और पढ़ाई तो होती रहेगी यार. पढ़ाई बहुत ईजी है एक्चुअली, इधर US में पढ़ाई इज़ वेरी ईजी. एंड वन मोर थिंग मैन भाई, फॉर बैचलर स्टूडेंट सबसे भारी चीज़ ये है कि दे कैन बी आर ए लाइक जैसे कि माई फ्रेंड हुज नेम इज़ जय एक्चुअली, एंड ही इज़ बैचलर स्टूडेंट एंड ही इज़ RA लाइक डॉम्स में RA. वो तो RA क्या होता है मतलब सर्च करो यार. सो वो क्या करता है, फ्री में रहता है भाई वो, ही डजंट नीड टू पे एनी रेंट फॉर डॉम्स एंड फूड इज ऑल्सो फ्री फॉर हिम. ही जस्ट नीड टू वर्क व्हेन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू वर्क. एंड ऑल्सो यू कैन डू ऑन कैंपस जॉब बीइंग एन RA, लाइक वो RA भी है और वो ऑन कैंपस जॉब भी करता है. सो ही कैन सेव लॉट ऑफ मनी बाई पेइंग फीस भी पे कर सकता है वो. सो या बैचलर्स के लिए फायदा, बट फॉर मास्टर्स यू नीड टू स्टे विद लॉट ऑफ पीपल मैन. ये मतलब लोगों के साथ रह के पैसे बचाना एक ही ऑप्शन है. डॉम्स में रह के इट्स वेरी एक्सपेंसिव लाइक बिकॉज 1200 बक्स है डॉम्स में रहने का, 700 का भी एक छोटा, बट इट्स नॉट वर्थ इट मैन. इंस्टेड यू स्टे विद पीपल इन अ बिग अपार्टमेंट. टू कट डाउन सम एक्सपेंसेस यू नीड टू गेट एन ऑन कैंपस जॉब राइट. सो आई एम गोना टेल यू हाउ टू गेट एन ऑन कैंपस, हाउ टू अप्लाई फॉर एन ऑन कैंपस जॉब. सो टू हैंडशेक देन यू शुड सर्च फॉर ऑन कैंपस जॉब हियर and there would be like many options. So for extra documents I will give you one best example man. Get a like make a common copy for resume and cover letter, and what according to the on campus job you should edit your like resume and cover letter. There are many templates on internet, so just go and like. So about internship is honestly getting hard, man. You know, सबको internship नहीं मिलती. Internship उनको ही मिलती है जिसको experience है, according to me. Like if you, मतलब मेरे जितने भी दोस्तों का experience है उनको internship मिली है. और if you do networking, if you are good networking, like पहचान से internship मिलना is easy, but or else it's hard. मैंने भी बहुत try किया यार, मेरे को नहीं मिली. और मेरे फ्रेंड्स भी जो फ्रेशर है उन्हें भी बहुत ट्राई किया. फ्रेशर को मिलना इट्स वेरी हार्ड मैन इंटर्नशिप, ऑनेस्टली जो भी बोल रहा हूँ. बट हुएवर जिसको भी एक्सपीरियंस है मैन, ही कैन गेट वेरी इजीली एक्सपीरियंस. इंटर्नशिप मिलना बहुत ईजी उसको. तो इफ़ यू वांट टू गेट इंटर्नशिप मैन, जो बैचलर्स के बाद मत आओ. मैंने UDJ का एक वीडियो देखा था. UDJ टोल्ड लाइक इफ़ यू आर कमिंग फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, गेट सम जॉब एक्सपीरियंस, आफ्टर दैट कम हियर, बिकॉज यू नो जॉब एक्सपीरियंस के बाद EM करोगे तो बहुत पैसा छापोगे भाई. फ्रेशर लोगों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बिकॉज जॉब मिला और इंटर्नशिप मिलना इज हार्ड ब्रो. मेरे दोस्त को इंटर्नशिप मिली है, वो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस था. सो या इतना ही इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इंटर्नशिप में. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ फुल टाइम जॉब और एवरेज सैलरी ब्रो. दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर. ऑनेस्टली मेरे को भी अब तक जॉब नहीं मिला है, मैंने जो इंटर्नशिप मिली मैंने ऑलरेडी बता दिया है. सो फॉर गेटिंग अ जॉब आई नीड टू डू सम सॉफ्टवेयर्स. और अभी से मैं कोई सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर रहा हूँ. दो तो मिनिमम एक तो अच्छे से करूँगा. सो इफ़ यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस मैन, उसके बाद आप जॉब AM के बाद आप जॉब करो तो 100K के ऊपर आराम से कमाऊँगा. लाइक मेरा एक दोस्त है, उसको इंटर्नशिप एक्सटेंड की थी और उसको जॉब एक्सपीरियंस भी था 1-2 साल का. So he's earning about 100K man. So for sure man, it's easy to earn about 100K. You just need to learn some tactics how to earn that much. So yeah, and if you're lucky enough bro, if you're lucky enough entry level job भी आपको 100K के ऊपर मिल सकता है. मैंने बहुत सुना, मैंने बहुत वीडियोस देखे, मैंने रिसर्च बहुत की है मैंने. So once you enter, like once you start your studies, you'll get to know man what to do, what not to do. So या पैसे आराम से कमा लोगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको मेंटेन करनी. 3.5 GPA मेंटेन करोगे ना, इट्स वेरी गुड. इट विल रिफ्लेक्ट, मतलब रिज्यूमे में बहुत सही दिखेगा वो. और अच्छे से जॉब चाहिए तो ब्रो यू नीड टू लर्न सम सॉफ्टवेयर्स टू. जिसको एक्सपीरियंस है मैन, उसको बहुत फ़ायदा है ब्रो, सीरियसली. ऑनेस्टली मेरे को भी जॉब मिला नहीं है, सो आई एम लर्निंग सम कोर्स. सो या मैन, इट्स kind of hard but not impossible. The most important thing that I was going to tell you guys is like, yeah, first of all, दोपहर से वीडियो बना रहा हूँ भाई, आते रात हो गई. सो थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर करना भाई. मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम है यार. सो या क्लासेस यार इवनिंग में होते हैं यार सीजन में. ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. लाइक मैंने गेम US आने के पहले मेरा ये था, लाइक मैंने बहुत हॉलीवुड मूवीज़ देखी वगैरह. सो लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन ये थे कि आई वुड मेक अमेरिकन फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ अमेरिकन फ्रेंड्स, आई हैंग आउट लाइक जैसे बैचलर्स में करते थे, लाइक विल डू लॉट ऑफ स्टफ, फन स्टफ वगैरह. तो वो एक्सपेक्टेशन मेरा था. और नेटवर्किंग के लिए भी मेरे को अमेरिकन फ्रेंड्स वगैरह बहुत, मतलब इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने थे. बट व्हाट हैपेंड इज़ लाइक, वर्क क्लासेस इवनिंग में होते तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम लाइक मास्टर्स के क्लास खाली इवनिंग में होते हैं. सो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ज़्यादा लोगों से बात करने की वगैरह, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी खाली होती है, बहुत कम लोग होते हैं मतलब कंपेरेटिवली. और बैचलर्स के लिए इतना कुछ नहीं, बैचलर के दिन में होते क्लास. तो बैचलर इज़ वेरी गुड. लाइक मेरे फ्रेंड्स है बैचलर्स में, दे आर एन्जॉइंग अ लॉट, दे हैव इंटरनेशनल फ्रेंड्स एंड ऑल लाइक. बट इन मास्टर्स इट्स अ बिट हार्ड मैन, इट्स वेरी हार्ड. मेरे जो भी फ्रेंड्स है दे आई मेड देम लाइक इन जिम, इन माई ऑफिस, लाइक माई ऑन कैंपस जॉब एंड ऑल. बट इन क्लासेज आई ट्राइड अ लॉट मैन, आई ट्राइड 3 to 4 times, आई स्पोक टू देम, आई अप्रोच देम पर्सनली, बट मेरे बने ही नहीं यार. मतलब बहुत कोशिश की मैंने, बट इट वॉज ईस्टर्न साइड में. मेरे ईस्टर्न US में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी क्लास मॉर्निंग में, और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अमेरिकन, दे एंजॉय अ लॉट मैन. बट मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ़ इट्स इन जस्ट सीजन और CSU सिस्टम्स, आई डोंट नो दैट. बट या ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी. आई डोंट नो, यू गाइज शुड डिसाइड लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन सही थे या नहीं. मतलब व्हाट यू गाइज थिंक, इफ इट्स गुड और नॉट टू एक्सपेक्ट दिस मच, बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन में आए, इफ़ यू आर इन डिफरेंट कंट्री, यू एक्सपेक्ट दैट यू मेक वो कंट्री के ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ. ऑब्वियसली एकदम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो रहेगा भाई. सो या आई डोंट नो लाइक लाइफ अभी तो मेरी लास्ट सेमेस्टर सपोज ख़त्म होने आ गया है. सो या मैन, सो यही है यही थी लास्ट बात मेरी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इतना पूरा वीडियो जिसने भी देखा उसके लिए थैंक यू, नहीं भी देखा है तो भी उसके लिए भी थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अंटिल आई एंड नेक्स्ट वीडियो एंड